की खेती से बेहतरीन उपज से खिले काश्तकारों के चेहरे। चमोली जिले के विभिन्न गांवों में लीलियम की खेती काश्तकारों की आय का साधन बनने लगा। उद्यान विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई योजना के परिणाम से विभागीय अधिकारियों के साथ काश्तकार उत्साहित। चमोली में उद्यान विभाग ने मंडल रौली, कोटेश्वर, खल्ला, बैरांगना, सगर और गंगोल गाँव के 10 काश्तकारों के 16 पाली हाउसों में लीलियम के 25,000 बल्ब रोपित कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। काश्तकारों के पाली हाउस में अब लीलियम के फूल विपणन के लिए तैयार हो गए, जिनके विपणन के लिए उद्यान विभाग की ओर से देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली की मंडियों से खरीदारों का काश्तकारों से सीधा संपर्क करवाकर विपणन की व्यवस्था बनाई गई। वर्तमान तक जहां काश्तकार 40 से 50 रुपए प्रति स्टिक की कीमत से 1,000 स्टिक का विपणन कर चुके हैं, जिनके विपणन के लिए उद्यान विभाग की ओर से देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली की मंडियों से खरीदारों का काश्तकारों से सीधा संपर्क करवाकर विपणन की व्यवस्था बनाई गई। वर्तमान तक जहां काश्तकार 40 से 50 रुपए प्रति स्टिक की कीमत से 1,000 स्टिक का विपणन कर चुके, वहीं खेतों में करीब 22,000 स्टिक विपणन के लिए तैयार हो गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया काश्तकार को 5 रुपए की लागत पर लीलियम के बल्ब उपलब्ध कराए गए थे, जबकि लीलियम के एक स्टिक की काश्तकार को खेत में 40 से 50 रुपए कीमत मिल रही। अधिकारियों ने लीलियम से काश्तकारों को 8 लाख तक की आय होने का अनुमान लगाया। चमोली में पायलट प्रोजेक्ट के शुरू किए लीलियम के उत्पादन के बेहतरीन परिणाम मिल रहे, ऐसे में अन्य काश्तकार भी अब लीलियम के उत्पादन में दिलचस्पी दिखा रहे। लीलियम के विपणन के लिए मंडियों से खरीदारों के पहुंचने से काश्तकारों को विपणन में होने वाली दिक्कतों का समाधान किया गया। विगत वर्ष में हमने जिला योजना के अंतर्गत अपने जनपद के 10 किसानों के 16 पॉली हाउस पर लगभग 25,000 बल्बों का रोपण करवाया है, जिसकी जो है वर्तमान में लगभग 60 दिन बाद, जो हमने ये फरवरी में लगाया था, और लगभग 60 दिन बाद जो हमारे पास इस समय जो इसके उत्पादन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। पूर्व में हम इस किसानों को जो है, चूँकि मार्केटिंग की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इस बार हमने जो है बाईबैक का भी इसमें पूरा सिस्टम रखा हुआ है, और फूल यहाँ से जो है हम लोग जो है देहरादून, दिल्ली और हल्द्वानी के मंडियों तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि जो है इसमें जल्दी हम 60 दिन के भीतर हमारी 60 से 70 दिन मैक्सिमम क्रॉप तैयार हो जाती है, तो फिर किसानों के लिए जो है ये कम समय में आर्थिकी को दुगना करने का जो है एक अच्छा विकल्प हम इसको मान सकते हैं। जो हमारी सक्सेस स्टोरी है उसमें सरतौली गाँव में मेहन बिष्ट है, और उन्होंने 10 किसानों को और भी जुड़ा हुआ है। 16 पाली हाउस में 25,000 लगभग बल्ब लगाए गए हैं और उनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लगभग 1,000 स्टिक उन्होंने भेज भी दिए और उनको एक एश्योर्ड मार्केट भी मिल गया है हल्द्वानी में, देहरादून में, तो जिससे वो काफी उत्साहित हैं और एक सफल परियोजना हमारी बनने जा रही है। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।